नमस्कार। आज आपको हम एक ऐसी चीज दिखाने वाले हैं जो दुनिया के अंदर पहली बार लॉन्च हुई है, बोलने वाली भगवद गीता, बोलने वाली श्री भगवद गीता। इसकी पैकिंग तो कितनी खूबसूरत है, बहुत शानदार बनाई गई है ये वाली। अब इसको खोलते हैं हम। ये देखिए कितनी खूबसूरत बनाई गई है पैकिंग, क्या शानदार पैकिंग है इसकी, पूरा गोल्डन है यहाँ से एकदम। किसी को आप गिफ्ट देना चाहें उसके जन्मदिन के ऊपर, मैरिज एनिवर्सरी के ऊपर, किसी का गृह प्रवेश हो या कोई फंक्शन हो, जिसको भी आपने गिफ्ट दिया सारी जिंदगी बंदा आपको याद करेगा। अब अगर मान लेते हैं किसी के भगवत गीता जी को पढ़ना हो और उसको संस्कृत या हिंदी या वगैरह ना आती हो तो वह कैसे पढ़ सकता है। ये उसका एक बहुत बेहतरीन जो सी है चीज़ निकाली गई है वाली। इसके अंदर देखिए पूरी पिक्चराइज है, पिक्चर है सारी। पिक्चर के साथ साथ जैसे चैप्टर 1 भगवत गीता जी का संस्कृत में, हिंदी में और इंग्लिश में, तीनों भाषाओं में है। पढ़ना चाहे व्यक्ति तो पढ़ भी सकता है, लेकिन अगर किसी को पढ़ना नहीं आता तो उसके लिए देखिए बहुत शानदार चीज बनाई गई है। आपको बताते हैं इसके बारे में। ये इसके साथ सामान है, तो बहुत खूबसूरत डिवाइस है। चार्जिंग वाला है, मोबाइल चार्जर जैसे लगाते हैं उसके तरीके से चार्जिंग भी कर सकते हैं इसको। ये इसका स्टैंड है रखने के लिए। ये चार्जर है मोबाइल वाला जिससे आप इसकी चार्जिंग भी कर सकते हैं इसको। अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता उनके लिए बहुत खूबसूरत चीज़ है। बटन दबाया और प्रेस किया छोड़ा, ये डिवाइस एक्टिव हो गया। अब गीता जी को पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस डिवाइस को यहाँ रखना पड़ेगा। गेट स्टार्टेड लिखा हुआ है, यहाँ रखेंगे। शंख की ध्वनि हुई, इसका मतलब ये हमारा स्टार्ट हो गया। अब हम गीता जी को खोलेंगे, कोई भी खोल लीजिए आप, कहीं से भी खोल लीजिए आप इसको। और जैसे संस्कृत में पढ़ना चाहते हैं यहाँ लगाया। अब हिंदी में सुनना चाहते हैं तो उसको विषयों का चिंतन करने से उसमें आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से कामना और कामना पूरी न होने से क्रोध उत्पन्न होता है। और अगर आप इसको इंग्लिश में करना चाहते हैं तो इंग्लिश में भी सुन सकते हैं आप। Thinking about sensory objects leads to attachment for them. Attachments give rise to desires. कहीं भी चले जी आप। Unfulfilled desires. ये जैसे हिंदी में लिखा हुआ है। कुछ योगी जन यज्ञ के द्वारा देवताओं का पूजन करते हैं, जबकि दूसरे ज्ञानी जन आप संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश तीनों भाषाओं में गीता जी को पढ़ सकते हो आप। अब जैसे पिक्चर है, पिक्चर के ऊपर भी लगाएंगे इस डिवाइस को, तो जो पिक्चर होगी उसके हिसाब से आ जाएगी। अब जैसे पूजा करें ध्यान में है तो ध्यान की आवाज आ रही है। और अगर कोई पूरा ही श्लोक पढ़ना, पूरा ही एक चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, जैसे गीता जी में 18 श्लोक है, तो पूरा पढ़ना तो इसको यहाँ लगाएंगे, डिवाइस को जगह बनी हुई है। एक बार लगाएंगे तो इंग्लिश में बोलेंगे, ये इंग्लिश में बोल रहा हूँ, इसको दोबारा लगाएंगे तो ये हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप चाहे तो गीता जी को बंद भी कर देंगे, तो ये पहला अध्याय पूरा का पूरा सुनाएगा। ये इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय ने कहा, पांडव जो पिक्चर है उसके हिसाब से आप पिक्चर पर लगाओगे राजा तो वैसी ध्वनि निकलेगी है, जैसी पिक्चर उसके हिसाब से ध्वनि। यहाँ पे देखिए शंख है, शंख के ऊपर लगाएंगे तो शंख की आवाज आएगी। ये जैसे यहाँ पे अग्नि है, जल रही है, हवन हो रहा है, तो ये अग्नि की आवाज आ रही है बीच में से।
ये रहे इसमें नीचे पेज नंबर है वो भी तो बताएगा। पेज 73, चैप्टर 3, वर्स 2-3। अभी आपको बहुत खूबसूरत चीज दिखाते हैं। ये जैसे बांसुरी बनी है, अब आप बांसुरी की आवाज सुनना चाहते हैं जैसे कृष्ण जी बजाते थे, यहाँ पर लगाया एकदम मन को मोह लेने वाली आवाज है। अब इसमें आरतियां भी हैं, चार तरह की आरती है इसमें। ये मोर पंख इसमें जैसे जय जगदीश आरती आया है, पढ़ना नहीं आता यहां लगाए। और हर जितनी भी पूरी गीता जी है बहुत ही मधुर आवाज में भरी गई वाली। अब जैसे ये वाली कृष्ण आरती भी यहाँ पे लगाया, कृष्ण आरती ये चलेगी, ये गीता आरती जी है और श्री गणेश आरती जी। ये कृष्ण जी की आरती, ये गणेश जी की आरती। इसमें पूरा है, वॉल्यूम आप कम करना चाहे ज्यादा करना चाहे सब कुछ है। तो चार्जिंग करना पड़ता है, इसको चार्जिंग कर सकते हैं आप किसी भी मोबाइल के चार्जर से भी चार्जिंग कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत चीज बनाई है, किसी को यहाँ से स्विच ऑफ कर सकते हैं इसको, किसी को गिफ्ट देना है बहुत बढ़िया चीज है घर के लिए। हर घर में देखा जाए तो गीता जी का उपदेश होना चाहिए, इसको घर पे रखेंगे तो बच्चे भी बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं इसको पिक्चर के हिसाब से, बुजुर्गों के हिसाब से बहुत बढ़िया। किसी के मकान में गृह प्रवेश है, किसी का जन्म देना है, किसी की मैरिज एनिवर्सरी है, यानी कि कुछ भी फंक्शन हो मंदिर में देना, कहीं भी देना है तो बहुत बढ़िया है एक तरह से बनाई गई वाली चीज। तो आप जिसको भी गिफ्ट देंगे वो सारी जिंदगी आपको बंदा याद रखेगा और जो भी इसको पढ़ेगा उसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा इसको पढ़ने से। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को नमस्कार।